यूं तो संपूर्ण झारखंड में बेरोजगारी की संख्या बड़ी ही विकराल है। खेती के मामले में कमजोर पर खनिज संपदा के धनी राज्य में आम लोगों की स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है। इसका एकमात्र कारण जनप्रतिनिधियों का भ्रष्ट आचरण है। क्षेत्र के अपेक्षित विकास नहीं होने के कारण यहाँ के दलित तबके की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। यहाँ नरेगा या मनरेगा जैसी केंद्र की अति महत्वाकांक्षी योजनाएं भी कारगर साबित नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से यहाँ के दलित व कमजोर वर्ग पलायन अथवा अवैध खनन पर मजबूर है। कुछ ऐसे ही कहानी है सूबे के कोयलांचल गिरिडीह जिला अंतर्गत चुनका पंचायत के सेंट्रल पिट गांव की। रोजगार का कोई उचित साधन नहीं होने की स्थिति में यहाँ के महिला, पुरुष और बच्चे कोयले के सहारे अपनी जिंदगी की गाड़ी खींचने को विवश हैं। यहाँ के महिला और बच्चे तो डिपो से कोयला चुरा कर बेचते हैं, लेकिन मर्द जान हथेली पर रखकर अवैध खनताओं में घुसकर कोयले का अवैध उत्खनन कर साइकिल पर लाद कर दूर दराज के क्षेत्रों में बेचकर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करने पर विवश है, जिसके दौरान इन्हें कई तत्वों द्वारा जबरन वसूली भी की जाती है। अच्छा, आप लोग इतना जोखिम भरा काम क्यों करते हैं? मजबूरी है हम लोग का, मतलब कोई चीज़ के हम लोग साधन नहीं कमाने का, और इसलिए हम लोग कमाते हैं कि मतलब इसमें खदान में हम लोग कमाते हैं। अब खदान में भी हम लोग का डर लगता है इतना कि मजबूरी में खटने पड़ता है, बाल बच्चा हम लोग परिवार ज़्यादा है, बस वही पेट के मजबूरी से करना पड़ता है, जिसके कारण हम लोग के पास कोई रोजगार नहीं है, उसके वजह से ये सब काम करना पड़ता है। बहुत कठिनाई है इसमें, डर लगता है कि कभी भी गिर सकता है और कभी भी आदमी भी मर सकता है जमीन के नीचे में। आप लोग को इस समस्या से किस तरह से समाधान किया जा सकता है? हम लोग का सरकार कहीं नौकरी दे दे तो हम लोग का इसका हल हो सकता है, और गरीब को देखने वाला कोई नहीं है धरती में। सरकार बड़ा बड़ा सरकार आया, कितना आया, खाली बोलता ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। हम लोग लास्ट में झाँकते हैं रहते हैं। इतना कोलवारी फील्ड है यहाँ पे, इसमें कोई घाट का भी काम दे दे तो इससे हम लोग का समाधान हो सकता है। ये लोग हम लोग मेहनत जो करते हैं ये काम, ये हम लोग का शौक नहीं है करने का, कोई अच्छा काम नहीं है जिसके वजह से ये काम हमको करना पड़ता है। हम लोग को फॉर्म भरे हैं, लेकिन फॉर्म भरने के बाद में हम लोग सब कुछ मतलब इंटरव्यू में सब पास हो गए। पास होने के बाद में हम लोग का आया कागज़ आया, हम लोग गए हैं कागज लेके, फिर बोला कि इसमें पैसा देने पड़ेगा, 50-60 हज़ार रुपया मांग रहा था। मतलब हम लोग पास 50-60 हज़ार रहते तो हम लोग फिर ऐसा क्यों करते काम? भूखे मरने से तो अच्छा है जो मौत से मौत को दाव लग पे लगा के मरे। तो अभी आपने देखा इस खदान क्षेत्र के लोग किस प्रकार दो जून की रोटी के वास्ते अपनी जान व मान सम्मान सभी दांव पर लगाने पर विवश है। ऐसा कदापि नहीं कि इन लोगों की स्थिति में बदलाव नहीं आ सकता। यदि सरकार संकल्पित हो जाए, जनप्रतिनिधि उत्तरदायी पूर्ण हो जाए, मनरेगा जैसी योजना भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए, अथवा कलवरी प्रशासन अपनी निगरानी में इन्हें कार्य करने का मौका दे तो इनकी दशा और दिशा सुधर सकती है। मैं मुकेश रजक, झारखंड के देवघर जिला का इंडियन हर्ट से।